मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मंगलवार को अपने फेसबुक पेज पर कुछ ऐसे कमेंट किए जो दिन भर सियासी चर्चाओं में रहे। विपक्षियों ने जहां इस कमेंट को लेकर सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं पिता गोपाल भार्गव को बेटे के बचाव में आना पड़ा। अभिषेक भार्गव ने प्रदेश की महिलाओं के शराबबंदी के खिलाफ खोले गए मोर्चे को लेकर सवाल उठाया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने विभिन्न चुनावों में ईवीएम के दुरुपयोग किए जाने और उसकी विश्वसनीयता पर उठे सवालों को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के जरिए मशीनों की उपयोगिता और हाल ही में उठे ईवीएम विवाद पर तमाम सवाल उठाए हैं। बिजली की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई दस्तावेज मीडिया के सामने रखे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार बिजली कंपनियों की धोखाधड़ी पर सख्ती करे तो आज भी बिजली की कीमत 30% तक घटाई जा सकती है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अब प्रदेश के मदरसों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी भी पढ़ाएगी। इतना ही नहीं, मोदी के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी को भी मदरसों के सिलेबस में शामिल किया गया है। सरकार मदरसों के भीतर अब देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाने जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को नगर निगम के अतिक्रमण अमले ने 40 साल से खंडहर के रूप में खड़े सबसे रहस्यमय भूत बंगले को ढहा दिया। ये भूत बंगला क्राइम का गढ़ बन चुका था। यहाँ आए दिन लोगों की लाश मिलती थी। कुछ दिन पहले ही यहाँ एक महिला की लाश मिली थी। सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन है कि नेशनल हाईवे पर शराब दुकान नहीं होंगी। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी स्टेट हाईवे पर शराब दुकानें हटाने की कवायद शुरू कर दी, लेकिन इसका अलग ही इफेक्ट देखने को मिल रहा है। शराब दुकान बंद होने के बाद अब इसे ऑटो में रखकर बेचा जा रहा है। हैरान कर देने वाली इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि तोपपुरा में कुछ पुलिस वाले ही ऑटो में रखकर शराब बेच रहे हैं। इंदौर में गुरुद्वारे के 25 साल पूरे होने पर कीर्तन और लंगर का कार्यक्रम था। सड़क खराब होने पर प्रबंधक कमेटी ने गुहार लगाई, जिस पर मेयर ने तुरंत सड़क बनाने के निर्देश दिए। निगम का महकमा पहुंचा ही था कि खबर लगते ही पार्षद भी भूमि पूजन करने पहुंच गईं। रहवासियों ने विरोध किया, जिस पर पार्षद काम रुकवाने में जुट गईं। जमकर बवाल हुआ और आखिर में पार्षद को बैरंग लौटना पड़ा। इंदौर में आईपीएल मैच को लेकर जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। टिकट बुकिंग के लिए रात भर लोग लाइन में खड़े रहे। आपको बता दें कि 8 और 10 अप्रैल को इंदौर के होलकर स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए ऑफलाइन टिकटों की बिक्री होलकर स्टेडियम से शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग स्टेडियम में सोमवार को 5वीं एशियन स्कूल हॉकी चैंपियनशिप का रंगारंग शुभारंभ हुआ। इस टूर्नामेंट में चीन, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड की टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज टूर्नामेंट के 3 मैच खेले गए। पहला मुकाबला चीन और मलेशिया के बीच खेला गया, वहीं तीसरे मुकाबले में भारत ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेला। अप्रैल शुरू होने के बाद मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर और तीखे हो गए हैं। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में गर्मी भीषण रूप से दिखाई दे रही है, वहीं कुछ इलाकों में लू चलने के भी समाचार मिले हैं।